देखिए ये आपका कहना गलत है। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार कभी कुछ बोले हैं क्या? वो खुद कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। कल पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली हुई, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बेगूसराय पहुंचे। जब मीडिया कर्मियों ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से सीएम नीतीश को लेकर सवाल किया, तो सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो मुहिम है सर, विपक्षी एकता बनाने में आप भी घूमेंगे सर क्या? देखिए ये आपका कहना गलत है। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार कभी कुछ बोले हैं क्या? वो खुद कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ। हाँ, हम लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री उनको बनाया जाए तो उनमें सारी योग्यता है, लेकिन वो अपने को नहीं कह रहे हैं कि हम बनाया जाए। एक चीज़ कहते हैं वो कि हम देश में घूम करके सब लोगों से राय बना करके ये जरूर चाहेंगे कि भाजपा की सरकार न बने और जो हम लोग अभी विरोधी हैं उनकी सरकार बने, और जहाँ तक नेता चुनने की बात है मिलजुल करके चुनाव लड़ने के बाद नेता चुन लिया जाएगा। आपको हम बता दें कि जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद के उम्मीदवार बनने के लायक है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी अपनी ये इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन हम आपको बता दें कि हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद के उम्मीदवार बने। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर भी जवाब दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही उत्तराधिकारी मान चुके हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे महागठबंधन की रैली के बारे में और कुछ सवाल किया, तो सुनिए क्या कुछ जीतन राम मांझी महागठबंधन की रैली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम बनने से लेकर तेजस्वी यादव के उत्तराधिकारी तक लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। सर, लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, यूपी में गाना गाई है, उसके बाद यूपी पुलिस ने नोटिस भेज दिया, क्या लग रहा है सर, किस रूप में देखा जाए इसको? उसके बारे में हमको मालूम नहीं है कि क्या गाना गाई है और क्या इसका रिएक्शन हुआ है, जब हम जानते नहीं है तो उसके बारे में क्या हुआ? सर, संविधान में तो अमित शाह ने कहा है कि अब नीतीश कुमार की भाजपा हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया है। कब प्रार्थना कर रहे हैं नीतीश कुमार की हमको भाजपा में आने दीजिए। सर, आरक्षण तो मौलिक अधिकार है। एप्लीकेशन दिए हैं क्या? वो तो अपने अब बात करते हैं, ये तो अपने खुद कह रहे हैं कि भाई हम आवाज बात ही सही है कि आज जो सात पार्टी का गठबंधन है, अगर समीकरण देखा जाए तो यहाँ पर 70%+30% हो जाता है, तो 70% ज़्यादा होता है कि 30% ज़्यादा होता है? जब मेजोरिटी हमारे साथ है तो फिर हम उनके साथ क्यों जाएंगे? भाजपा पूरी ताकत झोंके हुई है सर, बिहार को लेकर खास करके, उसको किस रूप में देख रहे हैं? तो सब जगह ताकत तो झोंकते हैं, बंगाल में झोंक के देख लिए ना, तो उनके पास पैसा है, काला धन है, मोनेटाइजेशन में जितना है सब काला धन रख करके लोगों का धन को निकाला है, और आज की स्थिति भी यही है कि सबसे ज़्यादा पैसा है। और सबसे बड़ी बात है ईडी का, इनकम टैक्स का और ये सब एजेंसियां का जो कभी छापा पड़ रहा है, कोई भाजपा नेता पर पड़ रहा है क्या? सभी दूसरे पर पड़ रहा है, तो इस तरह की बेईमानी कर करके अपना धन बचा करके रखे हुए हैं तो कहाँ वो खर्च करेंगे? तो ये तो बेईमानी कर रहे हैं और